हम सबके प्रिय और हिंदुस्तान की धरोहर अमिताभ बच्चन जी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। उनका कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया, लेकिन हम सब आशान्वित हैं, वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उनके चाहने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों है। हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी और अमिताभ बच्चन जी, इनसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय आदमी कोई नहीं है। वो हमारे देश की धरोहर भी है, हमारी देश की शान भी है। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे हो जाएं, और अच्छे वो हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मुसीबत से वो जंग लड़के आए हैं, बहुत बार ऐसी परेशानियों को झेल के वो जीत के आते हैं हमेशा, चाहे कुली वाला एक्सीडेंट हो, चाहे उनके करियर की शुरुआती दौर की फिल्में हो जब शुरू में फ्लॉप हो रही थी, और या फिर उनको जो बिजनेस में ABCL में जो लॉसेस हुए उस समय की घटनाएं, वो कभी परेशान नहीं होते। हम सबके प्रिय और हिंदुस्तान की धरोहर अमिताभ बच्चन जी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। उनका कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया, लेकिन हम सब आशान्वित हैं, वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उनके चाहने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों है। हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी और अमिताभ बच्चन जी, इनसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय आदमी कोई नहीं है। वो हमारे देश की धरोहर भी है, हमारी देश की शान भी है। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे हो जाएं, और अच्छे वो हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मुसीबत से वो जंग लड़के आए हैं, बहुत बार ऐसी परेशानियों को झेल के वो जीत के आते हैं हमेशा, चाहे कुली वाला एक्सीडेंट हो, चाहे उनके करियर की शुरुआती दौर की फिल्में हो जब शुरू में फ्लॉप हो रही थी, और या फिर उनको जो बिजनेस में ABCL में जो लॉसेस हुए उस समय की घटनाएं, वो कभी परेशान नहीं होते।